जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता एवं एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत बनाए गए हॉट स्पॉट क्षेत्र माया बाजार रेती रोड, माया बाजार दक्षिणी, इस्लामपुर दक्षिणी और राजघाट थाना क्षेत्र के रहमत नगर के हॉट स्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जिसका जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी निरीक्षण किया है। कोतवाली और राजघाट थाना क्षेत्र में बढ़ते हॉट स्पॉट की संख्या को देखते हुए उस पूरे एरिया को कम्प्लीट 14 दिनों के लिए लॉकडाउन करने के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश किया गया है। परमिशन मिलने के बाद राजघाट और कोतवाली क्षेत्र को आगामी 14 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, अभी किसके लिए ये फालतू मत करो, अपने घर जाइए, नहीं तो कोरोना लेके जाएंगे। ये तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पर के। चलिए अपने अपने घर जाइए, मोटरसाइकिल वाले चलिए अपने घर, भीड़ मत लगाइए, जाइए। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लापरवाही की वजह बढ़ती जाती है बीमारी। इसको भी पीछे तक खींच रहे बटन वटन दबाते हैं वो कैसे चले और बड़ा इधर वाला है, ये रोड ऐसे ऐसे जा रही है तो हाँ। इसको भी ये पीछे तक तो बीच में क्यों लगा मालिक आ रहे हैं ना, आपकी जितने भी स्टाफ हैं आप पूछिए, आप जितने भी स्टाफ हैं सबका टेस्ट कराइए सारे का, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बीच में सबको सैनिटाइज कराइएगा, तब तक ही सील रहेगा, कोई भी नया पेशेंट बंद कर दीजिए। तो मनोज को है बीमारी को मुझे जरूरत है ना। आज थाना कोतवाली अंतर्गत माया बाजार रेती रोड, माया बाजार दक्षिणी, इस्लामपुर और थाना राजघाट अंतर्गत रहमत नगर, मिर्जापुर और दक्षिणी रहमत नगर चौकी, तो लगभग 8-10 हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया गया। डीएम सर के साथ भी थे, कप्तान साहब के साथ निरीक्षण किया गया। और थाना कोतवाली में चूंकि एक क्लस्टर बन गया है, जहाँ पे एक 250 मीटर के एरिया में लगभग 8-10 हॉटस्पॉट बन गए हैं, तो हमने रिकमेंडेशन किया है डीएम सर को कि थाना कोतवाली और थाना राजघाट दोनों को ही कम्प्लीटली लॉकडाउन किया जाए आगामी 14 दिनों तक, क्योंकि वहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है आगामी 1-2 दिनों में, और हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का, 1-2 केस और उस जोन में आते हैं तो उन दोनों थानों को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया जाएगा।